गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी के दो मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 17 मई और 20 मई नियत की गई है। बताते चले कि 2009 में मोहम्मदाबाद थाना में धारा 307 के मामले और 2009 में ही करंडा थाने का गैंगस्टर एक्ट के मामले में यह तिथि निर्धारित की गई है। इसको लेकर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। देखिए, आज जो है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के दो मुकदमे लगे थे। एक तो 307 और 120B का मुकदमा है जो थाना मोहम्मदाबाद का है, और एक जो है गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है थाना करंडा का। ये दोनों मुकदमा जो है सन 2009 का है, और 307 में जो है एक अभियुक्त जो सोनू यादव है, सह अभियुक्त, वो जो है 2010 में बरी हो चुका है, और उसके साथ 120B जो है बाद में बढ़ोतरी करके मुख्तार अंसारी को जेल में रहते हुए अभियुक्त बनाया गया था। उस समय घटना के समय वो जेल में थे, और एक मुकदमा जो है गैंगस्टर एक्ट का थाना करंडा का था, जो कपिल देव सिंह हत्याकांड को लेकर के, और ये 307 के मुकदमे, दोनों मुकदमे को गैंगस्टर के चार्ट, गैंग चार्ट में दर्शाया गया है, और इस दोनों मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 2010 में थाना करंडा में कायम किया गया। उसमें जो है एक मुकदमा कपिल देव सिंह का जो हत्या का था 2009 का, वो दिखाया गया है, और एक 307 का मुकदमा। तो 302 के मुकदमा जो कपिल देव सिंह हत्याकांड है, उसमें मुख्तार अंसारी और जो चंदन यादव था, दोनों लोग बरी हो चुके हैं उस केस में। और ये जो 307 का मुकदमा, इसमें सह अभियुक्त सोनू यादव बरी हो चुका है। अब गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मुख्तार अंसारी और सोनू यादव दोनों लोग अभियुक्त हैं, और 307 वाले में मुख्तार अंसारी अभियुक्त है। दोनों मुकदमा जो है निर्णय में लगा है, अभी सुनवाई चल रही है, अभी आज कोई निर्णय नहीं हो सका है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने 307 के मुकदमे में 17 मई तारीख पुनः नियत की गई है, और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 20 मई तारीख नियत की गई है पुनः निर्णय हेतु। इस डेट में क्या निर्णय आएगा कि फिर सुनवाई होगी? अभी देखिए, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। माननीय न्यायालय का जो है हम लोग सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय किया जाएगा, जो भी आदेश होगा, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि अगली तिथि पर निर्णय होगा या फिर सुनवाई होगी, इसके बारे में माननीय न्यायाधीश महोदय का जो आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे।